बॉयज एंड गर्ल्स, एक बार फिर से जीरो क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपका प्रवेश कुमार सिसोदिया। चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास मेरा इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इससे पहले मैं जीडीपी की एक कक्षा पहले भी पढ़ा चुका हूँ, कृपया करके वो देख लीजिएगा पहले, क्योंकि उसके बिना ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि नेशनल इनकम का, राष्ट्रीय आय का ये सेकेंड लेक्चर है। जो पहली कक्षा में मैंने जीडीपी आपको पढ़ा दिया था, और मैंने कहा था आखिरी कक्षा में मैं आपको टेरिटरी, सीमा और कैसे सिस्टम होता है आगे, और जीएनपी तक इसको लेके जाऊंगा, डेप्रिसिएशन तक बताने की कोशिश करूंगा। यानी कि इस वीडियो देखने से पहले जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जीडीपी वाली, अर्थव्यवस्था वाली, कृपया करके उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगी, ठीक है। और इसकी जीडीपी की नेशनल इनकम जितने भी चैप्टर बनेंगे वो मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो आज के हम जीडीपी की यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की सेकेंड कक्षा को हम शुरू कर रहे हैं। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरा जीरो क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ करके ब्यूटीफुल पीपल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट लिख सकते हैं तो बहुत गनीमत होगी, लिख दीजिएगा, अच्छा रहता है। और कोई बुरी चीज़ लगती है कि मैं आपको कुछ गलत बता रहा हूँ, कुछ भी बता रहा हूँ, तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं उससे प्रॉब्लम जो होगी उसको, एरर को फाइंड करके अच्छे से बढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की थी सबसे लास्ट क्लास में, मैंने जीडीपी की बात की थी। जीडीपी में खास बात क्या हो रही थी कि जो सीमा होता है, सीमा की बात कर रहे थे, यानी कि इंडिया के अंतर्गत, यानी कि इंडिया की भौगोलिक जो सीमा होती है उसके अंदर कोई भी इंडियन हो या फॉरनर हो, दोनों अगर कुछ अर्निंग कर रहे हैं, यानी कि इनकम कर रहे हैं, तो वो आपके जीडीपी में इंक्लूड होती थी। यानी यहाँ पे एक खास बात मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर एक बात खास क्या होती है कि जीडीपी को ये देखा जाता है कि देश की भौगोलिक सीमा यानी कि जगह की बात होती है, यानी कि जीडीपी में प्लेस की व्याख्या होती है, ठीक है। तो ये चीज तो मेरी आखिरी क्लास का था, यानी कि जगह की बात होती है। तो आज हम बात करते हैं जीडीपी को, आपको ये समझाना जरूरी होता है कि जीडीपी में हम जगह की बात करते हैं, भारतीय सीमा के अंतर्गत अंतिम वस्तु, अंतिम सेवा के टोटल प्रोडक्शन, टोटल आउटपुट को ही हम आपको नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। आज बात करते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है आर्थिक और घरेलू सीमा, ठीक है। फर्स्ट है हमारा आर्थिक या घरेलू सीमा। अब इससे क्या मतलब निकलता है, आर्थिक, इकोनॉमिकल एंड डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि हमें टेरिटरी की बात करनी है। अगर हम पहली कक्षा में जाते हैं तो जीडीपी में मैंने बताया था कि कोई भी नागरिक हो जो भारत के अंदर रह रहा है, अगर वो प्रोडक्शन करता है, कुछ खाता है, कुछ भी खर्च पानी करता है, सेवा करता है, सेवा में यूं पैसे खर्च कर रहा है या फिर वस्तु के ऊपर कुछ भी खर्च कर रहा है, तो उसके टोटल एक साल का देखा जाता था, उसी से हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते थे। अब बात करते हैं टेरिटरी की सीमा की बात होगी कि टेरिटरी सीमा क्या होती है। आर्थिक टेरिटरी सीमा का मतलब होता है जैसे कि हमारा मैप है भारत, ठीक है, और उसकी जो सीमाएं होती हैं, आपने मैप देखा ही होगा, मैप जैसा होता है उसको हम भौगोलिक सीमा कहते हैं, यानी कि जहाँ पर हमारा जमीनी अधिकार होता है, जहाँ पर हमारी संप्रभुता चलती है। अब उसी तरह से अब वर्ड आता है आर्थिक सीमा। आर्थिक सीमा क्या होगा, आर्थिक सीमा में आर्थिक, यानी कि आर्थिक का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का लेन देन, यानी कि पैसों का लेन देन। अब मान लीजिए आर्थिक सीमा को क्या कहते हैं, आर्थिक सीमा क्या होती है, भौगोलिक सीमा से अलग होती है। यानी एक चीज़ सबसे पहले हमें ध्यान रखनी है, जो आपकी आर्थिक सीमा होगी वो बराबर भौगोलिक सीमा के नहीं, कैन नॉट बी इक्वल, ठीक है, भौगोलिक, जियोग्राफिकल और आपकी इकोनॉमिकल। उसका मैं रीजन बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन, ये सारा जो होमवर्क हो रहा है जीएनपी को समझने के लिए हो रहा है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को समझने के लिए पहले हमें आर्थिक सीमा को समझना होगा। मान लीजिए मैं एक बंदा हूँ और मेरा भाई है, यानी कि ए पर्सन मैं हूँ, बी पर्सन मेरा भाई है, और वो यूएसए में जाके जॉब करता है, ठीक है, जॉब करता है। तो आपसे मैं पूछता हूँ, क्या जो मेरा बी पर्सन भाई है, क्या जो वो आय करेगा, क्या उसको हम इंक्लूड करेंगे अपने जीडीपी में? ऑब्वियसली बात है नहीं करते, क्योंकि जीडीपी में क्या होता है,
जीडीपी में सिर्फ ये होता है कि जो आपकी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो क्षेत्र में कोई भी विदेशी हो या नागरिक हो, अगर वो अर्निंग कर रहा है या कुछ भी प्रोडक्शन कर रहा है, कुछ भी पैसे का लेन देन कुछ भी कर रहा है, तो वो राष्ट्रीय आय में इंक्लूड होता है। वहीं अगर मेरा भी भाई जो नागरिक है भारत का ही, वो यूएसए में जाके जॉब करता है, तो उसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। बट होता क्या है, जब उसको सैलरी मिलती है, कुछ ना कुछ अमाउंट का 30% 40% 40% जितनी भी उसकी इज्जत रखना चाहता है फैमिली के लिए, वो उसको घर पे भेजता है। तो ये क्या हुआ, अब जीडीपी में तो उसको इंक्लूड नहीं किया, तो इससे इकोनॉमिकल इंबैलेंस हो सकता है। तो इकोनॉमिक्स ने क्या किया, इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्री होते हैं, उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक जीएनपी बनाते हैं। तो जीएनपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें आर्थिक सीमा को इक्वल करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है, आर्थिक सीमा में ये चीज ध्यान रखी जाएगी कि वो निवासी है या नहीं निवासी है, यानी कि भारतीय है या नहीं। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं कहीं भारतीय हूँ, मेरे को डोमिसाइल यहाँ का है, तो अगर मैं यहाँ पर अर्निंग कर रहा हूँ, तो वो तो जीडीपी में इंक्लूड होती है। अगर जीएनपी के कॉन्सेप्ट की बात करें, मैं एक भी पर्सन कहीं भी जाए, अगर वो भारतीय, तो उसके द्वारा जो आय प्राप्त होगी वो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होती है, क्योंकि वो हमारी आर्थिक सीमा है। यानी कहने का मतलब है, कोई भी नागरिक है जो भारतीय का है, वो कोई भी एक्टिविटीज करता है आर्थिक सीमा से रिलेटेड, उसकी हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी आर्थिक सीमा क्या क्या होती है। मान लीजिए ONGC का कोई प्लांट समुद्र के अंदर कहीं पर ड्रिलिंग कर रहा है और वो ऑयल रिम है। ऑयल रिम क्या होगा आपका इकोनॉमिकल टेरिटरी होगा। यानी फर्स्ट में आया ऑयल क्या होगा, ऑयल आपका इकोनॉमिकल टेरिटरी होगा, ठीक है, यानी कि हमारी आर्थिक सीमा होगा, क्योंकि वो भारतीय कंपनी है, वहां पे प्रोडक्शन कर रही है, भले ही भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ना हो। जैसे कि मैप मैं यहाँ पर बना देता हूँ इस तरह का, और ये इस तरह का मैप है। मान लीजिए ONGC यहाँ पे लगाता है, ठीक है, तो इस तरह की बात करें, यानी कि भारत के बाहर बात करें, तो ये जो होगा भारत की इकोनॉमिकल सीमा के अंतर्गत आएगा। जो भी इसका मार्केट होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा या बेच रहा होगा, कुछ भी होगा, वो सारा इंक्लूड होगा जीएनपी, यानी कि आर्थिक सीमा का पैसा होगा, ठीक है, ऑल रिम हो गया। दूसरा क्या हो गया, मान लीजिए कोई बैंक है, बैंक यूएसए में लग रहे हैं, फ्रांस में लग रहे हैं, ब्रिटेन में लग रहे हैं, वो बैंक किसके हैं, SBI अगर ब्रांच खोलता है कहीं पर, तो बैंक भारत के हैं, तो ये भी हमारी इकोनॉमिकल सीमा, इकोनॉमिकल टेरिटरी है, यानी कि बाहर भी है ऑफिस तो भी वो भारतीय इकोनॉमिकल टेरिटरी है, क्योंकि पैसा कमा के वो भारत को ही भेजेगा, ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा हो गया, कोई ऑफिस है आपका, कोई भी हेड ऑफिस है आपका, भारत से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर वहां पर है, तो वो भी हमारा इकोनॉमिकल ही क्षेत्र में आएगा। तीनों के उतारते रहिए साथ के साथ। या कोई व्यापार कर रहा है, व्यापार करते हैं, बस भारतीय माली TCS है, TCS कंपनी भारत की है, वो कोई प्लांट लगाती है यूएसए में या ब्रिटेन में लगाती है, तो वो जो अर्निंग कर रही होगी वो भी भारतीय की ही इकोनॉमिकल क्षेत्र होगा, यानी कि इकोनॉमिकल टेरिटरी होगा, ये भी होगा। दूसरा कस्टम क्षेत्र आपके सी से रिगार्डिंग है, सी के आसपास जहां पर अधिकार होता है आपका व्यापार करने का, वो भी आपके इकोनॉमिकल सीमा है। और मान लीजिए आपका बेस सेंटर कोई है, यानी कि सेना का कोई भी ऑफिस किसी और जगह पे खोला गया है या बेस बनाया गया है, प्लेन का बेस बनाया गया, तो वो भी हमारी इकोनॉमिकल सीमा होगी। पॉलिटिकल ऑफिस कोई भी है वो भी आपकी इकोनॉमिकल टेरिटरी होगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इकोनॉमिकल टेरिटरी क्या होती है, इकोनॉमिकल टेरिटरी पैसिफिक वो बात है जैसे कि जो भौगोलिक सीमा से तो संबंधित है ही। यानी कि अगर कोई व्यापारी भारत के अंतर्गत काम कर रहा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑफिस है, कोई बैंक है, वो आपकी इकोनॉमिकल टेरिटरी तो है ही। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी भारतीय,
जीडीपी में क्या हो रहा था, फॉरनर भी आ जा रहे थे, जो भी भारत के अंदर जाके कुछ भी कर रहे थे, इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में, आर्थिक रूप से कार्य जो भी कर रहे थे, वो आपकी एक जीडीपी के अंतर्गत है। बट इकोनॉमिकल टेरिटरी में क्या होता है, आर्थिक सीमा में वो क्षेत्र आते हैं जहां कहीं भी भारतीय है, यानी कि जो भारतीय है अगर वो कुछ भी करता है, व्यापार करता है, कहीं पर भी करता है, तो वो आपकी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होती है, यानी कि वो आपकी आर्थिक सीमा होती है। आर्थिक सीमा इसलिए क्योंकि पैसा लेन देन भारतीय ही कर रहा है वो, अप्रत्यक्ष रूप से कभी ना कभी वो वापस ट्रांसफर इंडिया में करेगा ही, वो तो भारत की बात कर रहा है। तो इसी तरह से ONGC कोई ऑफिस खोल रहा है बाहर, SBI कोई ऑफिस खोल रहा है, पॉलिटिकल इशू का कोई ऑफिस है वहां पर, बैंक है, बेस है, कुछ भी है, कोई टीचर्स का ब्रांड लगा रहा है, या कोई मेरी कंपनी है, मैं US में एस्टेब्लिश कर रहा हूं, तो इस तरह से, या एयरप्लेन हवा में उड़ता है किसी देश के ऊपर है, तो वो भी मेरी इकोनॉमिकल टेरिटरी है। यानी कहने का मतलब है भारतीय लोगों के द्वारा कुछ भी कहीं पर भी हो, भारत में भी हो तो भी इकोनॉमिकल टेरिटरी होगी, बाहर भी होगा तो भी इकोनॉमिकल टेरिटरी होगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया, यानी कि इकोनॉमिकल टेरिटरी सिर्फ फोकस करती है सिटीजनशिप पर, या भारतीय के द्वारा कहीं पर भी कोई भी व्यापारिक वर्क किया जाता है या कोई भी ऑफिशियली वर्क किया जाता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल टेरिटरी। आई होप का आपको समझ में आ गया, यानी कि कहीं आर्मी का बेस बनाया गया, नेवल का बेस बनाया गया, एविएशन का बनाया गया, किसी का भी बनाया गया ऑफिस, तो वहां पर जो होगा भले वो किसी और देश की भौगोलिक सीमा के अंदर हो तो, बट वो क्षेत्र आपकी इकोनॉमिकल टेरिटरी के आएगा, इकोनॉमिकल सीमा के क्षेत्र में आएगा। यानी कहने का मतलब अगर कोई भारतीय हो, अगर मैं हूँ कहीं पर ब्रिटेन में जाकर कंपनी लगा रहा हूं, तो वो भारत की इकोनॉमिकल ही सीमा होगी। अब ये बात हो गया। अब उसी तरह से जो विदेश के लोग होते हैं उनके भी ऑफिस भारत में होंगे, जैसे कि अमेरिका के राजदूत का कोई ऑफिस हो, पढ़ रहे हर देश का सबके राजदूत के ऑफिस होते हैं, ऑफिस जो होते हैं वो हमारी इकोनॉमिकल टेरिटरी में नहीं आता, यानी कि भारत की वो आर्थिक क्षेत्र नहीं होगा। विश्व बैंक का ऑफिस भारत में है वो भी नहीं आएगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है वो भी नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब है विदेश, किसी सेना आर्मी का ऑफिस है विदेश की, वो भी नहीं आएगी, भले ही भारत की भौगोलिक सीमा में हो, बट वो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा भारत की इकोनॉमिकल सीमा में, ठीक है। यानी कि विदेशों की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यापारी हो, कुछ भी हो, कोई टूरिस्ट हो या पढ़ने का कुछ भी आ रहा हो, वो आपकी इकोनॉमिकल क्षेत्र में नहीं आएगा। यानी कि GNP फोकस करती है आर्थिक क्षेत्र पे, यानी कि विदेश भारतीय के द्वारा कहीं पर भी, भारत में भी और विदेश में भी, सब जगह इंक्लूड करके जो भी आर्थिक क्रिया कर रहे हैं वो आपका कहता है इकोनॉमिकल टेरिटरी कहलाता है, ठीक है। और इसमें क्या पता भौगोलिक सीमा तो है ही होगी, भारत के हैं, भारत के बाहर भी इसी तरह, उसी तरह से विदेशों के भी हमारे यहाँ ऑफिस होते हैं तो वो हमारे इकोनॉमिकल क्षेत्र में नहीं आएंगे, जबकि हमारे भौगोलिक क्षेत्र में वो आते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, GDP फोकस करती है जगह पर, भारत के अंदर में, विदेशी हो चाहे नागरिक हो दोनों का इंक्लूड करते हैं, बट GNP इंक्लूड करती है सिर्फ भारतीयों के बारे में बात करती है, वो कहीं भी कुछ भी अर्निंग कर रहे हो, कुछ भी व्यापार कर रहे हो, तो दैट्स कॉल्ड आपका इकोनॉमिकल टेरिटरी कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आओ, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कंसर्न बोर्ड में लिख सकते हैं, आई विल हेल्प यू, ठीक है। थोड़ा सा कठिन है, कठिन नहीं सोचना है, सोचिए ए पर्सन है बी पर्सन है। फर्स्ट बोला GDP की बात करें, GDP में क्या होगा, भारत के अंदर विदेशी हो चाहे नागरिक हो, जो भी कोई प्रोडक्शन कर रहा है वो GDP में इंक्लूड हो गया है, कुछ भी व्यापारिक काम कर रहा है, खर्च कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, घूमने आया कुछ भी खर्च कर रहा है। वहीं इकोनॉमिकल टेरिटरी क्या होती है, भारतीय कोई बंदा है वो कहीं पर भी जाकर बिजनेस करे, भारत में कर रहा है तो भी इकोनॉमिकल टेरिटरी में आ रहा है, बाहर भी कर रहा है तो इकोनॉमिकल टेरिटरी में आता है। लेकिन वो इकोनॉमिकल टेरिटरी में नहीं आएगा जो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत विदेशों के ऑफिस हैं, या कोई भी राजदूत का कंसल्ट हो, वर्ल्ड ऑफिस का ऑफिस है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है, अगर पॉलिटिकल का इशू है, एम्बेसी है, किसी भी तरह के इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है, तो वो आपके भारत की इकोनॉमिकल टेरिटरी के अंतर्गत नहीं आएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना GNP इकोनॉमिकल कंडीशन, यानी कोई भी भारतीय कहीं पर भी काम करे, दैट्स ऑल। GDP सिर्फ जगह की बात करता है, जगह के अंदर कोई भी प्रोडक्शन करे उसी के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज करके मैं कोई इशू का मैसेज उसमें कंटेंट में लिख दीजिएगा मैसेज, और मैं आपको आई विल हेल्प यू, ठीक है। और इजी होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपको फाइनल गुड्स, आई होप कि ये आपको तैयार हो गया होगा। नेक्स्ट है आपको फाइनल गुड्स की बात करते हैं।
फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तु, वस्तु भी हो सकती है सेवा भी हो सकती है, क्योंकि वो मार्केट में आते हैं सब बिकते वगैरह। अब बात करते हैं अंतिम प्रोडक्ट क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास ये डस्टर है, डस्टर को बनने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले लकड़ी लिया होगा, पेड़ से लकड़ी काटा होगा, ठीक है, एक या दो रुपए की ली होगी, वो भी उसकी कॉस्टिंग होगा, उसके बाद ये फॉर्म खरीदा होगा, ठीक है, और उसके बाद इस पर पेंट किया गया होगा फैक्ट्री के अंदर, इसको कटिंग वटिंग किया गया होगा, इसको फिर अटैच किया गया होगा फॉर्म के साथ, फिर इसको फिनिशिंग दिया गया होगा, पेंट किया गया, उसके बाद ये फाइनल गुड्स बन के आता है। और फाइनल गुड्स में क्या होता है, सारी चीजें, उत्पादन आ रहे, उत्पादन खर्च बोल सकते हैं, पोस्ट बोल सकते हैं, जैसे कि पहला स्टेप डस्टर को बनाने का लकड़ी ली होगी, पेंट हुआ होगा, लेबर चार्ज लगा होगा, मजदूर वगैरह, फैक्ट्री चार्ज लगा होगा, तो सब कुछ इंक्लूड करके, यानी कि सबको ऐड करके हमारा फाइनल गुड्स या सेवा, जैसे कि बिजली बनाने में खर्चा आएगा तो वो भी एक फाइनल गुड्स है। आखिरी में जब बिजली आपके पास पहुंचती है तो आपके कॉस्टिंग देते हैं 5 या 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से देते हैं। इसी तरह से डस्टर आया, 30 रुपए का डस्टर पड़ा, तो दैट्स कॉल आपका जो कॉस्टिंग है इसकी 30 रुपए, यानी कि सब कुछ जोड़ कर वो हो गया फाइनल गुड्स। यानी कि फाइनल गुड्स में क्या होता है, सारे जितना भी खर्चा है, जितना बनने में चार्जेस आए, टैक्स वैक्स सब कुछ लगा, फाइनल गुड्स में ये चीज तैयार हो जाती है, उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका मध्यवर्ती वस्तु, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस है, सर्विस की बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस इंटरमीडिएट। अब यही डस्टर ले लेते हैं, मान लीजिए वुड जो था उसकी कॉस्ट थी 5 रुपए, पेंट की कॉस्ट थी 1 रुपया, लेबर चार्जेस 2 रुपए लगा लीजिए, डेप्रिशिएशन बाद में बताऊंगा, इसको कंफ्यूज मत होना, 50 पैसे या 1 रुपए रख लेते हैं, 1 रुपए लगा, और कुछ और भी खर्चा हुआ होगा, एक्सपेंडिचर जो भी लगा होगा, कुछ भी और भी लगा होगा, उसको 2 रुपए मान लेते हैं। अब इसको जोड़ लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11 रुपए इसकी कॉस्टिंग है, फिर टैक्स वगैरह लग गए, और मान लीजिए उसके बाद ये 20 रुपए का मुझे मिलता है, 20 रुपए का मिलता है, तो जो फाइनल गुड्स होता है, फाइनल गुड्स तो ये हो गया डस्टर जितने में है। बट इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस क्या होता है, जिसको बनाने में जो इंक्लूड हो रहा है, मान लीजिए 5 रुपए का वुड आया, उसके बाद 1 रुपए का पेंट हुआ, 6 रुपए की कॉस्ट होगी, यानी कि 5 से 6 बढ़ गई, 6 के बाद 2 रुपए बढ़ गए, 8 हो गया, 8 के बाद 1 रुपए बढ़ गया, 9 बढ़ गए, फिर 2 रुपए लगे, 11 रुपए हो गए, फिर टैक्स लग गए, तो लास्ट में मेरे पास ये 20 रुपए का बढ़ गया। तो जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो स्टेप होते हैं, उनसे साथ मैंने यहाँ पे सब जगह एडिक्शन हो रहा है, मूल्य वृद्धि हो रही है, तो इनका तो मैं पेड कर चुका हूं एक तरह से, तो इन्हीं सब चीजों को हम मध्यवर्ती गुड्स एंड सर्विस कहते हैं। गुड्स तो ये ना, सर्विस क्या होगी, सर्विस कोई कोई बना रहा है जिसको आर्ट आती है, कोई स्ट्रक्चर बनाने का, वो सर्विस हो, सर्विस और गुड्स एक ही चीज होते हैं। सर्विस गुड्स को आप खा सकते हैं, नेल कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वो सर्विस है, लेकिन पैसा तो दे ही रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट रूप में ही हो गया ना, वो भी तो सर्विस हो गया, और ये गुड्स हो गया जो आप फिजिकली रूप में देख सकते हैं, तो ये फिजिकल रूप्स है। चलो इसका एग्जाम तो ले गया, एक मैं और सर्विस का ले लेता हूँ, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर आपको खर्चा कर रहा है, दैट्स सर्विस, फाइनल फीस जो पर्चा बनता है वो आपका फाइनल गुड्स हो गया, और जो उसमें इंक्लूड करके स्टेप बाय स्टेप किया गया है वो आपका इंटरमीडिएट वस्तु हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मध्यवर्ती और ये चीज होता है। ठीक, साथ के साथ उतारते जाइएगा और घबराइएगा मत, इकोनॉमिक्स में बहुत ईजी से आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी सांकेतिक जीडीपी। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नॉमिनल बोलते हैं इसको, अब बात
करते हैं नॉमिनल सांकेतिक, यानी किसी को इंडिकेट करना, जैसे कि मैं इस डस्टर को इंडिकेट कर रहा हूं कि यार ये डस्टर है, इंडिकेट कर रहा हूं। तो इंडिकेट कैसे कर पा रहा हूं, यानी कि मेरे सामने दिख रहा है। सामने दिखने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज वर्तमान से संबंधित है, यानी कि प्रेजेंट टाइम से संबंधित है, यानी कि मार्केट प्राइस से संबंधित है, वही मार्केट प्राइस जो करंट में चल रहा होगा, यानी कि वर्तमान की कंडीशन की बात कर रहे हैं, यानी कि जो प्राइस करंट में चल रहा होगा उसकी बात करते हैं। यानी कहने का मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर मार्केट कंडीशन के हिसाब से एनालाइज किया जाता है, यानी कि कितना एक्सपेंडिचर लास्ट वस्तु एंड लास्ट सर्विस को ऐड किया जाता है, जिसका प्राइसिंग हमने करंट प्राइस माना है, यानी कि जो आपके उसी समय चल रहा होता है, यानी कि बाजार कंडीशन में जो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो रेट प्राइसिंग जो किए गए हैं उसके हिसाब से जो बन रहा है उसको बोलते हैं आप मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको चीज बता देता हूं। जो नॉमिनल है इसके साथ हमारा, आपने एक वर्ड सुना होगा इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति, यानी कि मुद्रा का महंगा होना। मुद्रा का महंगा क्या होना होता है, मान लीजिए डस्टर मेरे को 15-20 रुपए में मिल रहा है, इसकी कॉस्टिंग उतनी है, बट डिमांड बढ़ जाने के कारण इसकी जो प्राइस हो जाता है 25 हो जाता है, 20 से 25 हो गया। तो दैट्स कॉल क्या होता है आपका, मुद्रा स्फीति, यानी कि महंगाई बढ़ना। महंगाई बढ़ने का मतलब क्या होता है कि आपकी जो मनी है उसकी वैल्यू कम हो गई है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी बढ़ गई, मनी बैंकिंग में क्लियर समझाऊंगा। यानी कि जैसे कि हम अगर डॉलर के अभी 75 या 73 के आसपास चल रहा होगा डॉलर, तो हमारी कंपैरिजन यूएसए के डॉलर से हमारी करेंसी वीक है। जैसे ही हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी, यानी कि तो उसका प्राइस कंपैरिजन 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, फिर यानी कि हम डॉलर के इक्वल होने के, यानी कि आसपास होने की संभावना रहेगी। तो कहने का मतलब क्या आता है, जो इन्फ्लेशन होती है वो करंट प्राइस में, यानी कि नॉमिनल जीडीपी में बड़ा क्लियरिटी नहीं लगती है, यानी कि इन्फ्लेशन इंक्लूड होने के कारण तो ज़्यादातर जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो नॉमिनल जीडी को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, क्योंकि इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि महंगाई कब बढ़ जाए क्या होगा उसका मैं एग्जांपल दूंगा, वो आपको समझ में आएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब जीडीपी को, गुड्स एंड सर्विस को मार्केट प्राइस पर, जो करंट में ही चल रहा है, जिस साल की इकोनॉमिकल आता है बजट उस समय आया उसी समय उसको लिया गया है, तो उसको ही हम ये चीज बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वास्तविक जीडी, रियल जीडी। नेक्स्ट है आपका रियल से आप समझ रहे होंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुई, नॉमिनल अगर जीडीपी को रखते हैं तो वो रिस्क था उसमें, क्योंकि मुद्रास्फीति इंक्लूडिंग रहता है, महंगाई इंक्लूड होता है, तो आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि इकोनॉमिकल की सही कंडीशन है क्या। तो उसको सुधारने के लिए इकोनॉमिक्स ने क्या किया कि एक बेस प्राइस बना दिया, बेस प्राइस बता दिया कि भैया इस साल की जो प्राइस है, यानी कि जो उस साल में प्राइस चल रहे होंगे उसके हिसाब से ही आगे के सालों में भी हम प्राइस को कैरी रखेंगे। यानी कि ये नहीं कि जिस साल की जीडीपी निकालने उसी साल के मार्केट प्राइस देखे उसके हिसाब से हमने जीडीपी निकालना, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। उन्होंने क्या किया, मान लीजिए कि एक्चुअली क्या होता है, बेस ईयर 10 साल 15 साल 20 साल तक भी होते रहे, जैसे कि अभी हमारा 2010 वाला बेस साल चला था, उसको शायद 2014 के आसपास के चेंज कर दिया गया आधार वर्ष, यानी कि आपको मान लीजिए जो 2019 की जीडीपी आएगी या जो भी आ रखा है, इकोनॉमिकल कंडीशन जो भी आ रही है आपकी, उसमें क्या करेगी गवर्नमेंट जो बेस प्राइस देती है, यानी कि कब के प्राइस लेगी, वो लेगी 2014 का, क्योंकि एक बेस प्राइस बनाया जाएगा। मैं समझा देता हूँ उसको क्या होता है, बेस प्राइस क्या होता है मान लीजिए 2010 से स्टार्ट करें, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 16 कर लेते हैं,
16, 17, 2017, 18, 19. मान लीजिए इसका बजट आना है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर इसके बारे में बात करेंगे कि बजट बनाना है, तो जो मार्केट में क्या देखेंगे वो ग्रोथ डोमेस्टिक में लास्ट प्रोडक्ट एक साल के अंदर तक गुड्स एंड सर्विस की बात करेंगे, उसका आउटपुट देखें कितना मार्केट में खर्च हुआ है, सब कुछ देखें, पहली वीडियो देख लेना आपको क्लियर होगा, ठीक है, कंफ्यूज होगा। तो उन्होंने लास्ट गुड ईयर्स में सारा हिसाब लगाया और जीडीपी बता दी कि भारत की नेशनल इनकम टोटल इतनी है, बट इन्होंने जो प्राइस लिया वो लिया 2010 का, क्योंकि गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमारी जो बेस प्राइस है वो मान लिया कि 2010 का लिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम थी, जो प्राइस बढ़ते घटते रहते हैं, फ्लक्चुएशन होती है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो एक अनसर्टेनिटी कंडीशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हम एक बेस्ट वे हो जाएगा कि आप इकोनॉमी को जज इजिली कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, मैंने एक बेस प्राइस बता दिया और बताया कि 2020 तक यही बेस प्राइस चलेगा, जैसे कि अभी 2014-15 कर दिया गया, यानी कि 2012 यहां के प्राइस डिसाइड करते हैं जो उस समय मार्केट में चल रहे हैं, तो वही इस साल में चलेंगे, वही इस साल में चलेंगे, वही अगले साल में चलेंगे, जब तक उस पर टाइम पीरियड दिया जाएगा। जनरली 10 साल तक ऐसा होता है, जैसे कि 10 साल हो जाएंगे, फिर इसको बेस ईयर को, जैसे कि 14-15 शायद हमारा बेस ईयर चल रहा है, उससे पहले 10 और 11 चल रहा था, तो इससे बेस बनाया जाए। इससे क्या होता है कि आपका इन्फ्लेशन में खतरा नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मान लीजिए 2010 में इंडिया, कोई कंपैरिजन कर लो, इंडिया है वहां पर 100 एप्पल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, कोई फॉर्म है 100 एप्पल का प्रोडक्शन करती है, और उसने बोला ईच एप्पल 1 रुपीस, ठीक है, तो 2010 में इस फॉर्म की कॉस्टिंग क्या होगी, यानी कि उत्पादन कितना होगा, प्रोडक्शन कितना होगा, टोटल मनी में लिया जाए 100 रुपए हो गया, यानी कि 100 रुपए की उसने मार्केट किया, ठीक है। अब यही पर्सन था, ठीक है, अब एक नया पर्सन आया, सी पर्सन, उसने क्या किया, बात किया 2016 की, और इसने क्या किया, या 19 कर लेते हैं, 19, इसने क्या किया कि 50 एप्पल का प्रोडक्शन किया, यानी कि 50 एप्पल का प्रोडक्शन किया, बट ऑब्वियस सी बात है 9 साल हो गए थे यार, तो जो एप्पल 1 रुपए का मिला, पहले जो आप दूध ही मान लीजिए 25 रुपए किलो मिलता था, आज 50 रुपए 55 रुपए के जी हो रहा है, यानी कि महंगाई हर साल किसी चीज के प्राइस बढ़ते रहते हैं, तो एप्पल का प्राइस अब क्या हो गया, 3 रुपए हो गया, यानी कि एक एप्पल 3 रुपए इसका, तो अब इसकी इकोनॉमी कितनी होगी, 50 × 3 150, 150 रुपए कमाए, यहां कितने कमा रहा था 100 रुपए, यहां 150 कमाए। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता कि प्रोडक्शन क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं इसको मिटा देता हूं, आगे से चलता हूं, यानी कि 2010 में क्या हो रहा था, वो 100 एप्पल का प्रोडक्शन कर रहा था और अर्निंग कितनी हो रही थी, 100 रुपए की। 2019 में क्या हो रहा था, 50 का प्रोडक्शन कर रहा है और अर्निंग क्या कर रहा है, 150 रुपए। अब मान लीजिए कोई आएगा बंदा तो यार देखेगा, यार ये तो बड़े मजे की चीज है यार, यार प्रोडक्शन यहाँ पर ये तो हो रहा है, इसका तो प्रोडक्शन ज्यादा है, बट रियल में देखेगा कोई बंदा, कोई इकोनॉमिस्ट होगा, भैया प्रोडक्शन क्या हो रहा है, उत्पादन डिक्रीज हो रहा है, ये तो देश की कंडीशन भी खराब है, तो प्रोडक्शन 50 करने के बाद भी 150 रुपए आ रहे थे, 100 करने के बाद ही 100, क्योंकि उस समय उससे कंडीशन अलग थी, रुपए की वैल्यू उस समय अलग थी, आज वैल्यू अलग है, उसमें मुद्रास्फीति इंक्लूड होती है, मुद्रास्फीति के बाद फ्लक्चुएशन होता रहता है, बट 50 ही कर रहा है ये,
उसके बाद भी 150 दिख रहा है, देखने में तो इकोनॉमी यहाँ बढ़ रही है। अब ये थोड़ी देखो 20 साल पहले की इकोनॉमी था सर मेरे पास इतने पैसे, तो उस समय 10,000 की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। अब उसमें इंक्लूडिंग हो गया है इन्फ्लेशन, तो उसने क्या किया, इससे मुझे पता लगा कि अगर मैं मार्केट प्राइस की ध्यान रखूं तो मुझे मुद्रास्फीति प्रॉब्लम कर सकती है, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कर सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, बेस प्राइस का कॉन्सेप्ट लगाती है। मान लीजिए अब तो 10 है, मान लीजिए 10 वाला ही इसमें प्राइस लगाता तो यहां पे क्या आ जाता, 50 रुपए जाता। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाती है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बेस प्राइस को कॉन्सेप्ट मान दिया, मार्केट प्राइस को बहुत इनरेलीवेंट मानती है और ज्यादा उसको यूज नहीं कर रहा। होप कि आपको ये चीज समझ आ रही है, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल की बात कर रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है, जीडीपी तो सुना था कि एक भौगोलिक सीमा के किसी देश के अंतर्गत लास्ट वस्तु लास्ट सेवा को हम उसके टोटल एक साल के लिए उसको हम बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस तो ठीक है, ग्रोस आ गया, वहां डी था डोमेस्टिक था, अब यहां आ गया नेशनल। नेशनल यानी कहने का मतलब है किसी भारतीय नागरिक के द्वारा भौगोलिक अपनी आर्थिक सीमा में अंतिम वस्तु या अंतिम सेवा के कुल योग को हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जो मैं इतनी देर से बता रहा था आपको आर्थिक सीमा के बारे में, अब वो आपकी काम आएगी, यानी कि जीएनपी में ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में आपकी आर्थिक सीमा काम आएगी। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई प्लांट लगाया तो वो मेरी जीडीपी में तो इंक्लूड है ही और आपकी जीएनपी में भी इंक्लूड हो। और मान लीजिए कोई मेरा फ्रेंड है इंग्लैंड से आया और यहाँ पे कंपनी लगाता है, ठीक है, तो वो जब प्रोटेक्शन करेगा तो उसका भारत की जीडीपी में तो इंक्लूड होगा क्योंकि भारत की सीमा के अंतर्गत मैंने बताया था जो भी काम। कहने का मतलब क्या है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, छोड़िए। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होगी, किसी भी भारतीय नागरिक के द्वारा कहीं पर भी जो इनकम की जाएगी उसको हम ऐड करते हैं। कहने का मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए एप्पल मोबाइल, ठीक है, मोबाइल बनाता है, ठीक है, एप्पल यहां पर प्लांट लगाता है भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर उसने प्लांट लगाया तो इनकम करेगा, इनकम करेगा, इनकम किया उसने और इनकम किया तो ये जो इनकम होगी, जबकि यूएसए की कंपनी है, ये भारत की जीडीपी में ली जाए, ठीक है, बट भारत की ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में नहीं ली जाएगी क्योंकि ये भारत की आर्थिक आय नहीं है। अब यार यहाँ इनकम करेगा, यहाँ थोड़ी देगा सारे पैसे एप्पल जो भी लगाएगा, विदेश में तो भेजेगा, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन रहता है जीडीपी में। और जीडीपी में क्या होगा, जीडीपी में कोई भी हो अगर भारत के अंतर्गत करता है तो वो चीज इसमें इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। और वहीं अगर कोई कंपनी मैं हूं, जैसे कि प्रवेश नाम कर लेते हैं, मैं यहाँ भारत में कुछ कर रहा हूं तो वो मेरे इंक्लूड होंगे। अब ऐसे ही मान लीजिए टीसीएस है, टीसीएस अमेरिका में कोई प्लांट लगा तो ये अमेरिका के जीडीपी में तो इंक्लूड होगा बट उसकी जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगा, बट भारत की जीडीपी में इंक्लूड होगा। क्लियर है ये, ठीक है। तो
तो कहने का मतलब क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट किसी भारतीय द्वारा कहीं पर भी भारत में या विदेशों में एयरप्लेन, ऑफिस, टेरिटोरियल सीमा, कस्टम एरिया, रिम, ऑयल रिम, बेस, कहीं पर भी अगर वो भारतीय है, ठीक है, भारतीय है, तो उसका क्या होगा, जो आय करेगा वो हमारी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होगी, यानी कि आर्थिक होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कोई एप्पल का प्लांट भारत में लगा हुआ है तो उसकी आय हमारी जीडीपी में तो इंक्लूड होती है बट आपके जीएनपी में इंक्लूड नहीं होती है। और वहीं जीएनपी में क्या होता है, जीएनपी में वही आय इंक्लूड होगी जो भारतीयों से संबंधित होती है, यानी कि किसके द्वारा आय हो रही है, यानी जीडीपी सीमा को ध्यान रखता है, जीएनपी किसके द्वारा हो रही है उस चीज़ को ध्यान रखता है। आई होप कि आपको समझ गया होगा, यानी कि भारतीय नागरिकों द्वारा अपनी आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत लास्ट प्रोडक्ट एंड लास्ट सर्विस के कुल योग को ही हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। आई होप एप्पल वाला एग्जांपल आप समझ गए होंगे, ये चीज़ हो गया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं जीएनपी फॉर्मूला बेस पे क्या होता है। जो आपकी जीडीपी जीएनपी होती है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो होती है, जीडीपी प्लस लीवल आय होगा, साधन आय, इसको बोलते हैं NFIA, यही होगा। नेट फैक्टर इनकम फॉर अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फॉर अब्रोड इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि अब्रोड से कौन कौन सी आए, अब्रोड का मतलब विदेशों की द्वारा नहीं, भारतीय के जो गए हैं वहां पर उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि इसको हम लीवल आय को एक्स माइनस एम से भी डिनोट करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, इस पोर्शन में क्या होता है, यानी कि जो जीएनपी होती है भारतीय कहीं पर भी है वो उसकी आय भारत में आएगी, और जो विदेशी है, जो भारत के अंदर अपने ऑफिस, एप्पल ने ऑफिस लगाया, किसी और विदेशी कंपनी एडिडास ने अपना ऑफिस लगाया, तो उसकी आय पास जाती है, यानी कि विदेशियों से आय, विदेशी कोई आय कर रहे हैं भारत के अंदर वो जाएगी बाहर, और जो भारतीय होंगे, इंडियंस होंगे, वो अगर आगे उनकी आय आती ही जाती है, तो इसलिए होता है विदेशों से प्राप्त, विदेशियों द्वारा की गई आय और भारतीय द्वारा की गई आय कहीं पर भी, कहीं पर मतलब विदेशों से बात हो रही है, यानी कि अदर कंट्री में अपनी भौगोलिक सीमा से आर पार करने के लिए, ठीक है, ये चीज होता है। तो ये चीज होती है x माइनस एम। अब भारत के लिए कंडीशन क्या होगी, आप सोच सकते हैं भारत में कौन सी कंडीशन होगी, कि भारत में अगर पूछा है एक्सक्यूज मी, भारत में क्या होता है, जीडीपी ऑलवेज जीएनपी से बड़ा है, क्यों बड़ा है, मैंने सुबह फॉर्मूला लिखा था जीएनपी जीडीपी और प्लस होगा प्लस, हाँ एक्स माइनस एम कर देते विदेश से और इंडिया के द्वारा, ये चीज तो इसकी बात कर लेते हैं। अब भारत में क्या होता है, एफडीआई बहुत ज्यादा है, यानी कि हमारी जो भारत के अंतर्गत है विदेशों के जो आय होता है, जैसे एप्पल बहुत बड़ा मार्केट काम कर रहा है, हार्ले डेविडसन है बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, विदेशी ब्रांड पर इलेक्ट्रॉनिक्स पर पूरा विदेशी छाया रहता है, तो उससे क्या होता है हमारी फॉरनल वाली आय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये हम जो बाहर से हमारे पास आता है इंडियन कंपनी के द्वारा जो आता है वो कम आता है, इसी कारण हमारा ऑलवेज जीडीपी बड़ा ही रहता है, क्योंकि विदेशों से हमारी जो निवल आय प्राप्त होती है वो हमारी निगेटिव ही रह जाती है, जिस कारण हमारा जीएनपी छोटा हो जाता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हमारी ऑलवेज कम ही रहती है, क्योंकि ग्रोथ से हमारे जो प्राप्त होते हैं निवल साधन आय भारतीयों के द्वारा वो कंपैरिजन विदेशों से कम है, जिस कारण हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से ऑलवेज बड़ा ही रहता है, और ये हमारे लिए खराब कंडीशन है, हमें इसको सही करना चाहिए, ठीक है। तो ऑलवेज हमारा NFIA ही निगेटिव रहता है। अब बात करते हैं NFIA होता क्या है, एक बार थोड़ा सा और समझा लेते हैं।
LFIA। इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं GDP से GNP घटा दूं तो आपका नेट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपकी निकल के आ जाएगी। यानी कि इसको हम कह सकते हैं देश के नागरिकों द्वारा की गई कुल आय के बराबर कह सकते हैं। तो यानी कि ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, अगर इसमें से मैं ये निकाल दूंगा तो हमारे पास नेट आ जाती है, ऑलवेज ये निगेटिव ही आता है, इसीलिए हमारा GDP कंपेरिजन बड़ा होता है GNP से, एंड ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से ऑलवेज GDP बड़ा ही होता है, क्योंकि यहाँ FDI जा रहा है, विदेशी प्रोजेक्ट का भंडार यहाँ पर जाता है, जबकि भारतीय कंपनी इतना मार्केट भार नहीं करती है, जो कि एक एज ए इकोनॉमिक्स थोड़ा वीक कंडीशन है। अगर भारत को डेवलपिंग कंट्री बनना है, डेवलप कंट्री बनना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा, भार मार्केट बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा, गौलाई बढ़ना पड़ेगा, यानी कि हमें अपना राजस्व सही करना है, नेशनल इनकम को सही करना है। ठीक है, आगे की क्लास डेप्रिसिएशन पढ़ाया जाएगा, और चार चीज़ें होती हैं, यानी कि पूरे चैप्टर में जो भी चीज़ें इंक्लूड हैं, पूरा चैप्टर आपको UPSC बेस पर दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वन डे कुछ नहीं, तो बस वन डे में तो आपका फार्मूला पूछ लेगा GDP होता क्या है, इतना सब आएगा, क्या चीज़ होता है, पूरा रिगार्डिंग हाई लेवल का है, UPSC रिगार्डिंग का है, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और पैनिक मत होइएगा, इकोनॉमिक्स बड़ा टफ लगता है, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में अगर बुक लेना भी चाहते हैं तो कुछ चैप्टर ही UPSC के लिए पढ़ने होते हैं, जैसे कि आपका GDP हो गया, मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी हो गया, मनी एंड बैंकिंग हो गया, बजट हो गया, ये 4-5 चैप्टर होते हैं, तो फालतू में सारी चीज़ें ना पढ़ें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन करंट अफेयर का इशू है तो उसको कर सकते हैं। तो आपको रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे बोल सकते हैं, और एक बार फिर बोलूँगा जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ करके जिसने इस वीडियो को देखने से पहले मेरी फर्स्ट वीडियो देखेगा, और इन दो को देखने के बाद अगली जब आएगी यानी कि एक सर्कुलेशन में दिखेंगे तो ही आपको समझ में आएगी, अदरवाइज ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट लिखिए, कमेंट लिखेंगे तो अच्छा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी का मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ पर ज़्यादा मैंने अभी क्लास बनाया नहीं है, बट ऑलरेडी कुछ क्लासेज हैं वहाँ पर, तो आप कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई क्लास एंड माई वे टू हाउ टू communicate, how to teach, and if you have any error and ever you have any doubt regarding to this GDP topic, and you please consult me, and you can send me a message, I will help you, and best of luck for exam and anything whatever you, always keep smiling, and once again happy Janmashtami, love you all, keep smiling, God bless you, bye.